भाई चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में सिर्फ एक न्यूज आपके सामने लाया है, खास पेशकश चुनावी चर्चा, जिसमें आज हम सबसे पहले जिक्र करेंगे हरियाणा की सबसे बड़ी सब डिवीजन हांसी शहर का, जो तकरीबन 60,000 वोटर्स को मिलाते हुए 27 वोट्स में बटा है। इसके कैंडिडेट्स की चर्चा करेंगे, राजनीतिक गलियारों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा में जब भी कोई चुनाव होता है तो हमेशा जातिगत मूल्यों पर बटा होता है। अगर यहाँ की जातिगत संरचना की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है पंजाबी तबके का, जिसमें तकरीबन 14,000 से 15,000 वोटर्स हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर गिनती की जाती है दलित समाज की, तकरीबन 12,500 से 13,000 के करीब वोटर्स जो हैं दलित समाज से जुड़े हुए हैं। और तीसरा नंबर आता है सैनी समाज का, वही सैनी समाज जिससे फिलहाल रिंकू सैनी चेयरमैन है। उसके बाद चौथा नंबर आता है अग्रवाल समाज का, जिसमें तकरीबन 5,000 वोट हैं। चलिए, ये तो बात हुई वोटर्स की, अब जिनके लिए वोट डलने हैं उनका जिक्र छेड़ लेते हैं। शुरुआत रिंकू सैनी से करते हैं क्योंकि चेयरमैन प्रतिनिधि है फिलहाल इस कार्यकाल के। कैप्टन अभिमन्यु के सपोर्ट से चेयरमैन बने थे, उन्होंने काफी सहारा लगाया था। और उसके बाद आज तक की बात करें तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर हैं और सबसे ज्यादा आरटीआई भी इन्हीं के ऊपर है। यूं तो भाजपा के चेयरमैन रहे हैं इस कार्यकाल में, लेकिन दोबारा से चुनाव लड़ने की तैयारी है, टिकट के दावेदारी ठोक चुके हैं। टिकट मिलती है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलती तो भी चुनाव 100% लड़ेंगे, चाहे बगावत करके ही क्यों ना लड़ना पड़े। और उसके बाद दूसरा नाम आता है प्रवीण एलावादी का, फिलहाल हांसी की राजनीति में सबसे मजबूत दावेदार है। कहने को जेजेपी के बड़े कट्टर समर्थक हैं, मगर फिर भी चुनाव निर्दलीय ही लड़ेंगे। यूं तो सुना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेशर और आम आदमी पार्टी की तरफ से पेशकश भी पूरी है, मगर फिर भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। 5 बार पार्षद रह चुके हैं, फिलहाल खुद विधायक साहब के वार्ड से पार्षद हैं, 2 बार चेयरमैन भी रहे हैं, 1 बार इनकी धर्मपत्नी भी चेयरमैन रही थी, मगर अविश्वास प्रस्ताव की वजह से हटा दी गई। उसके बाद तीसरा जिक्र आता है मदन मोहन सेठी का, फिलहाल की सत्तासीन पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले मदन मोहन सेठी फिलहाल भाजपा की टिकट से नंबर 1 की दौड़ पर चल रहे हैं। नंबर 1 पर इसलिए क्योंकि विधायक विनोद भ्याना की पहली पसंद है, उनके फेवरेट हैं। उसके अलावा कहा यह जा रहा है कि दानी आदमियों में भी इनका नाम खूब गिना जाता है, जहां भी जागरण में जाते हैं 1 लाख 2 लाख 10 लाख यूं ही सरकार आते हैं, मार्केट में भी नाम अच्छा है। उसके बाद चौथा जिक्र आता है धर्मवीर रतेरिया का, यूं चौथे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी में टिकट की दावेदारी की बात करें तो नंबर 2 पर चल रहे हैं। हिसार जिले से महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के और आजकल खूब दमखम दिखा रहे हैं। और अगर समीकरण बने, जात के हिसाब से बने या जैसे भी बने, तो बाजी मार सकते हैं। उसके बाद 5वां नंबर आता है फिर से रिंकू सैनी का, जिनके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, दोबारा नहीं बताएंगे। उसके बाद जिक्र करते हैं कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस में मोटा माटी 2 ही लोगों का नाम सामने आ रहा है। सबसे पहले नितेश शर्मा और उसके बाद तेलुराम जांगड़ा, दोनों ही हुड्डा भगत हैं और फिलहाल हरियाणा में हुड्डा साहेब की हवा चल रही है, तो कुछ भी हो सकता है, दोनों ही बराबरी हैं। लेकिन सबसे पहले जिक्र करें नितेश शर्मा का, तो सुमन शर्मा के भतीजे हैं और लगातार परिवार जो है पार्षदी भी ले चुका है। उसके बाद पहले विधायक साहब के सपोर्ट से भी जो है ये मैदान में रहे थे और अब फिर से एक बार टिकट की दावेदारी ठोक चुके हैं। उसके बाद जिक्र आता है तेलुराम जांगड़ा का, सुना है बड़े रसूखदार हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ अच्छा रसूख रखते हैं, रही कोई कसर दिल्ली में समय समय पर हाजिरी लगा करके पूरी कर देते हैं। उसके बाद जिक्र आता है आम आदमी पार्टी का, नहीं है लेकिन कुछ कम नहीं है, लेकिन अभी जीत की होड़ में भी नहीं है। यहाँ इसके मोटा माटी 2 कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले यशपाल सैनी, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, लंबे अरसे से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा बात करें तो सांसद सुशील गुप्ता के काफी करीबी माने जा रहे हैं, इसलिए टिकट की होड़ में भी सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर नंबर आता है रमन भ्याना का,
वैसे पहले विनोद भ्याना के परिवार से अच्छे ताल्लुकात रखते थे, साथ मिलकर के काम करते थे, मगर अब अलग हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं। बात करें इलेक्शन तैयारियों की, तो तकरीबन एक साल से तैयारियों में जुटे हैं और टिकट मिलने की शर्त पर ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। मगर राजनीति के अंदर शर्तें कहाँ चलती हैं, तो ये भी आने वाला समय ही बताएगा कि क्या इन्हें टिकट मिलती है या नहीं मिलती। उसके बाद कुछ एक और निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम ले ही देती हूँ, जैसे कि अजय सैनी। निर्भीक पार्षद हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर के बोलते हैं, या यूं कहिए अपने ही समाज के रिंकू सैनी के खिलाफ भी खूब खुलकर के बोलते हैं, और अब ये भी जो है ताल ठोक चुके हैं चुनाव लड़ने की। वेल, ये कुछ थी अपडेट्स हादसी के राजनीतिक गलियारों की। ऐसी अपडेट्स लगातार चुनावी चर्चाओं में हम आपके सामने लाते रहेंगे, जिसे देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर कोई नाम कोई प्रत्याशी छूट गया है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मेरा होमवर्क यहीं तक, कुछ कमी हो तो चेक करके नीचे मार्क्स देना मत भूलिएगा। वेल, साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।